गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सबको हमारा पुराना व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग आने में दो दिन लेट हो रहा है, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस व्लॉग नहीं रोज का डल पाया, पर अब हम कोशिश करेंगे डेली का आप व्लॉग डालेंगे रोज आपके लिए। एंड तो जिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तू कितना है अपनी साली तो करवाया ना अपने सांडू तो करवाया नहीं कराया ना दोवां तो सच्ची तेरी सुन के कराया नहीं कराया ना झूठा साला किसे थां दा ते इहने भाजी अशविंदर भाजी ए इज वर्किंग विद द टाटा आर्या मोटर्स। जिसको भी टाटा की गाड़ी लेनी हो, मैंने पुराने ब्लॉग के अंदर भी अशविंदर भाजी का नंबर डाला हुआ है। टाटा से रिलेटेड कोई भी गाड़ी लेनी हो आप अशविंदर भाई साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको अच्छी डील दे देंगे ये। एंड पर साला सानू नहीं देंदा, सानू कहंदा जाके उत्तों ले लै। समझता गए ही होगे तुसी भाई, आपां लैनी है कि छोटी गड्डी, हुण गड्डी भी लैनी है आपां लभ भी रहे हैं किहड़ी लभ रहे हैं इहनू पुछो तो कहंदा भरा देखो भाई ओ भाई दे चार गाड़ियां शॉर्टलिस्ट कर रखी चलनी होती है जब चलानी अगली ने है तो चलनी होती है, साड़ी थोड़ी ना चलनी है, साड़ी नहीं चलती गड्डी साड़ी नहीं चलती वीर जी ना साड़ी होएगी, किश्तां असी देनियां ने पर चलनी ओदी है, चलनी नहीं किसी दी चलनी ओदी है, ये तो दुनिया का दस्तूर है वीरे। कलर साडा ना गड्डी साड़ी जनानी तो साड़ी है ना ठीक है बेटी। तो जी हम आ चुके हैं शोरूम के बाहर, गाड़ी पीछे पार्क कर दी है एंड अब चलते हैं शोरूम के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं कि हम कौन कौन सी गाड़ी देख रहे हैं और कौन सी हमारी शॉर्ट लिस्ट होगी, वो भी आपको भी आने वाले ब्लॉगों के अंदर पता चल जाएगा। तो जी हम आए हैं मारुति नेक्सा के शोरूम पे, ये शोरूम एक्चुअल में पीछे शिफ्ट हो रहा है तो शोरूम इनका सारा खाली हुआ पड़ा है। ओके वाइपर सिस्टम स्टीयरिंग कंट्रोल टू स्पीकर, हाँ इसमें भी अभी एजीएस ही रहा है अच्छा। और बलिनो डेल्टा में क्या क्या आ जाएगा? तो गाइस इनका शोरूम तो हो रहा था शिफ्ट, इस करके कोई गाड़ियां गुड़ियां खड़ी नहीं थी वहां पर। ड्राइव के लिए हमने उनको बोला है कि कल हमें आप ड्राइव दीजिए गाड़ी की, तो हम कल इग्निस और बलिनो दोनों चला के देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, बट वो मिलेगी हमें कल। और नेक्स्ट आपा देखेंगे, अब जो अगला देखेंगे आपा भी चलते हैं हुंडई के अंदर। गड्डी वधिया लग रही है सीएनजी तो देख सकते हैं, बस सीएनजी ऑटो आएगी नहीं, सीएनजी ऑटो आएगी नहीं, सीएनजी मेरे पास ऑटो और मुझे ना आवे करता अब सीएनजी तो देख सकते हैं। तो गाइस हम शोरूम पे आ गए, गाड़ी के डिटेल्स लेते हैं। ये भैया साथ रहे महेंद्र जी हमारे साथ हैं, ये हमें सारी डिटेल देंगे और बताएंगे। महेंद्र जी डिस्काउंट बढ़िया देते ना, आपका नंबर डालूंगा मैं, ठीक है कह तो दे, कहना तो बनता ही हमारा है ना भाई, बिल्कुल बनता है ना। साथ में हमारे मुंशी साहब भी साथ में हमारे, हम तो साथ बैठे हैं, हम तो साथ बैठे ही हैं। भैया आपका क्या नाम? विनोद कुमार। बड़े मेहनती हैं, इतने मेहनती बंदे, पानी पिला रहे हैं आपको, गर्मी और सर्दी दोनों नहीं यार। थैंक यू। तो सारी फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, तो हम जा रहे हैं ड्राइव के लिए। भाई देख के साइन करिए यार। हेलो ट्रैफिक जाम तो इन्हीं है, तो गाड़ी चला देगा ना, आ जाओ ड्राइव चलिए। तो गाइस गाड़ी ये रही, चाबी हैंड ओवर लेते हुए। गाड़ी सिस्टम
पिकअप किस तरह गड्डी थी? पिकअप अच्छा गड्डी था। गियर शिफ्टिंग की फील हो रही है? मतलब एनटीएस के सामने तू फील आ रहा है कि तू गाड़ी एएमडी चला रहा है? नहीं, हल्का फुल्का माइनर जो मेरे ब्रीजर अकॉर्डिंग टू बॉस होनी है। वेटिंग कितनी है भाई इस गाड़ी पे? वेटिंग सर अभी करंटली इस गाड़ी पे 3 टू 4 मंथ की आपकी वेटिंग रहेगी। इतनी वेटिंग? हां जी। ये वेटिंग ज्यादा है यार। सबकी वेटिंग बढ़ती जा रही है। चल तू टेंशन ना ले ब्रा, मैं बैठा ना, तू गाड़ी में तो आऊंगा। तू बस गाड़ी ओके कर। तू गाड़ी गाड़ी का है? कोई डेट है कितनी गाड़ी थी? गाड़ी ले लेंगे, जल्दी लेनी है, बहुत जल्दी लेनी है। कोई डेट भी ना कोई डिसाइड है भाई लेनी का? कह रहे हैं सुने कुछ। अच्छा बस उन तो तू बस गड्डी प्लान कर, दुआना मेरा काम है। पैसा तो ज्यादा है, मैं किसी को हाथ दिखाया जब ना वो कह तेरे हाथ बड़ा पैसा है, वो मैं कहा पैसा चल ठीक है लेकिन अकाउंट ट्रांसफर की होएगा तो 10 ही नहीं पाया। गाड़ी लगा रहे हैं साइड पे, मैं ड्राइव करूंगा। लगाओ भाई गाड़ी साइड लाओ। मैं मतलब अश्विंदर बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी और बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही थी। अब गाड़ी चलाएंगे अश्विंदर भैया, देखते हैं सरदार दे ड्राइविंग कितना दी है। अच्छा वैसे ही गल है प्रीमियम लग रही है, जो भी मामा लगता सेफ्टी का मतलब पता लग ही नहीं रहा एएमटी, मैं सोच रहा सीबीटी आंदा है AMTC ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡੈਡ ਪੈਡਲ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਡੈਡ ਪੈਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਅੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੈਡ ਪੈਡਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਹ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ 3 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਨਹੀਂ, 5 ਫੁੱਟ 80 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5 ਫੁੱਟ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ 5 ਫੁੱਟ 80 ਕਿਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਹੈਨਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ CNG ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਭੈਣਚੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, CNG ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ CNG। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਇਹਨੇ ਆਫਿਸ ਅਪ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਨਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਮੈਂ CNG ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ। CNG ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚ, ਵਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਭਰਾਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਲੇਜ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਅਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀ ਤਰਫ, ਅਬ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਆਜ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਯਾ ਕਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏ। ਰਾਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣੀਆਂ 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 ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਈਕ ਨੇ। ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਯਾਰ, ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵਲੌਗ ਕੋ ਯਹੀਂ ਪੇ ਖਤਮ ਐਂਡ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਆਪਸੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨਏ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।